जय श्री रणेश रामचंडी। कुलता एक धार्मिक हिंदू जाति है, वो कैसे, इसका आधार क्या है, जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर जाएं। ये आर्यों का भगवान विष्णु के दशावतार, द्रविड़ों का माँ रामचंडी तथा जनजातियों का समस्त देवियां को मान्यता के साथ सम्मान करते हैं। ये श्री रणेश्वर यानी कि शिव को अपना पहला कृषक और 120 वर्गों में पहला स्थान बाबा के रूप में देते हैं। ये जितने देवियां जैसे दुर्गा, सरस्वती, काली से लेकर कलापाट, कथन बूढ़ी, गुणाखाई बूढ़ी, कमगांव बूढ़ी आदि सबको मानते हैं। ये जितने देव जैसे गणेश, कृष्ण, हनुमान, कार्तिकेय से लेकर बड़देव, द्वारपाल, वरुण, कुबेर आदि को मानते हैं। इनके गोत्र में भी भगवान गणेश और हनुमान हैं। ये लोग जाति का संस्कारों में पंचवती और विशेष पूजा में अष्टमातृका के देवियों को पूजा करते हैं। ये महाराज जनक के पूर्वज भगवान श्री राम को भांजा तथा जामाय के रूप में मान्यता देते हैं। ये प्रकृति की उपासना करते हैं, सभी में भगवान का अस्तित्व ढूंढते हैं। नाग, कछुआ आदि गोत्र और बलभद्रिया, पीपल आदि पेड़ को पूजा करते हैं। ये गायों को माता के रूप में मानते हैं। गौशाला में उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए नकुल स्वदेव का पूजा भी करते हैं। ये संस्कारों में भावती, त्योहारों में अष्टमातृका तथा स्थापित देवी पीठों को मान्यता और सम्मान करते हैं। इनका चाल चलन, पहनावा और संस्कार तथा संत प्रिय स्वभाव को देखकर इनका मूल को बौद्ध धर्म से प्रभावित होने का विश्वास किया जाता है। इनका समस्त प्रकार पूजा पद्धति मानसिक होता है। ऐसे ही ये सनातन धर्म, वैदिक धर्म को मानने के साथ बाकी धर्म और संप्रदायों पर लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो ऐसा एक अनोखा जाति के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अच्छा लगा तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।